नो औकात डेटिंग विल बी हार्ड। देख यार, यहाँ पे आज कड़वा सच वाला वीडियो है, ये बिटर ट्रूथ वीडियोस दैट आई कॉल। तो 80% जो यहाँ ऑडियंस है वो मेरी लड़कों की ऑडियंस है। और एक बात मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ तुम्हें, कई लोग आजकल कह रहे हैं कि डेटिंग बहुत मुश्किल हो गई है सर, और आजकल तो लड़कियां जवाब ही नहीं देती, आजकल तो लड़कियां भाव ही नहीं देती, पता नहीं वो क्या चाहती हैं, दुनिया में क्या चाहती हैं। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, डेटिंग इज हार्ड। एंड या देर इज अ लॉजिक, आई कैन सी द लॉजिक, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, गाइज ऑल्सो, लड़के कौन सा कम है, लड़के भी तो 10 10 लड़कियों को मैसेज भेजते रहते, तो सोचो हर लड़की को कितने मैसेज आते होंगे। तो ऑब्वियसली इट इज इन दैट वे हार्डर, बट एट द सेम टाइम एक बात बता दूं कि सबके लिए हार्ड नहीं होता है, जिसकी औकात होती है उसके लिए हार्ड नहीं है, और जिसकी जिसकी औकात है उसके लिए हार्ड नहीं है, सॉरी, एंड जिसकी औकात नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर तुम्हारे लिए डेटिंग मुश्किल है तो हाँ थोड़ी मुश्किल हो गई है, शायद आपके पापा के टाइम पे इजी होती थी, पर अभी हम क्या करें, आप पापा के टाइम में नहीं हो, आप 2021 में हो, हमारा टाइम निकल गया है, इट्स ओके okay। लेकिन अब जो रियलिटी ऑफ टाइम है वो तुम्हें उससे जीना है, कुछ चीजें आसान भी हो गई आजकल, राइट। आजकल कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया, वीडियो कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो इन सम वेज इट्स इजी ऑल्सो, बट या इन सम वेज इट्स हार्ड ऑल्सो, बिकॉज देर सो मेनी पीपल ट्राइंग टू यू नो टॉक टू गर्ल्स, एंड एनी इवन इफ इट्स अ नाइस गर्ल शी इज जस्ट गोइंग टू गेट कंफ्यूज कि भैया मैं करूँ क्या, जब 50 लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और 56 चमन लाल मुझे फोटो लाइक करके मेरी आरती उतार रहे हैं रोज। तो वो तो एक है ही, एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल मुश्किल टेक्नोलॉजी ने क्रिएट कर दिया, ये मैं मानता हूँ बात, सो आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन जिस लड़के की औकात होती है उसको मुश्किल नहीं होती डेटिंग, इनफैक्ट उसके लिए हो सकता है बहुत आसान भी हो जाए, इनफैक्ट हो सकता है कि वो एक साथ दो चार को भी घुमा रहा हो, पांच को भी घुमा रहा हो, आपके एक दो होंगे, है ना, हीरो, एक दो हीरो जरूर होते हैं, यू नो बलविंदर जो घुमा रहा है चार लड़कियों को, क्योंकि उतना स्टड है, यू नो सैंडी, सैंडी घुमा रहा है चार लड़कियों को, और चमनलाल 40 लड़कियों के से मना रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों सैंडी को चार लड़कियां मिल जाती हैं और क्यों चमनलाल को 40 से ना मिलती है। नाउ इट इज ट्रू कि सैंडी को भी 100% नहीं मिली होंगी, चार उसे अगर उसकी हैं तो उसने भी कम से कम 20-25 जगह ट्राई किया होगा, और इट इज ऑल्सो ट्रू कि चमनलाल को 40 ना बोले और चमनलाल को शायद 400 भी ना बोलने वाले, क्योंकि वो चमनलाल है, राइट। जो लड़का इंस्टाग्राम पे जा जाके लड़कियों की फोटो पे कमेंट्स डालता है, फ्लेम इमोजी डालता है, 25 हार्ट डालता है, कहता है यू ब्यूटीफुल एंजल डालता है, तुम्हें क्या लगता है नेचर चाहती है ऐसे लड़कों का बीज से आगे बच्चे आए? आपको लगता है कि धरती पे प्रकृति को लगता होगा हाँ यार इसको दिलाओ, इसके बच्चे दुनिया में होने चाहिए, या नेचर को लगता होगा यार ये कहाँ से आ गया, ये फर्स्ट आया था स्पर्म की रेस में ये, और अब ये बैठ के यहाँ लड़कियों की फोटोज पे जिनको ये जानता नहीं है, इंस्टाग्राम पे किसी ने अपना ब्लाउज थोड़ा सा नीचे पहन लिया तो वो एंजल बन गई उसके लिए, क्यों, क्योंकि आपको क्लीवेज दिख रही है तो एंजल हो गई, है ना। तो ये ऐसे लड़कों का तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, लेकिन तो कहने की बात ये कि अगर आप चाहते हो, जो कि आई थिंक हर लड़का चाहता है, मुझे तो आज तक मिला नहीं जो नहीं चाहता, अगर आप चाहते हो कि आपके आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आप लड़कियों से आसानी से बात कर सकें, या लड़कियां आपके फोन का जवाब दें, या लड़कियां खुद से आपको फोन करें या मैसेज करें, तो भैया आपको औकात बनानी पड़ेगी। और अगर औकात नहीं है तो आई थिंक बेटर है समाज में जाके चांटे खाने का, मतलब एक दर दर की ठोकरें खाने का लड़कियों के दर पे चमनलाल की तरह, से बेटर है कि 3 से 6 महीने बैठ के पहले अपनी औकात बनाओ, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, कोई बात नहीं, मतलब अगर आप 21-22 साल के हो तो अगर आप 1 साल 22 से 23 आपने नहीं भी करी डेटिंग, लेकिन आपने उस 1 साल बहुत औकात बना ली, तो 23 से लेकर 30 तक आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 21 से 22 साल में चमनलाल की तरह ठोकरें खाई लड़कियों से और अपने आप को नहीं इम्प्रूव किया, तो 21 से 30 तक आप ठोकरें खाते रह जाओगे और चमनलाल से दुखी लाल बन जाओगे एंड तक। तो ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट बात है जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते, बस ये जस्टिफाई करते हैं, अरे फिर वो चमनलाल बोलता है देखा सर मैंने कहा था दिल तो टूटना ही होता है,
एक तरफे प्यार की कीमत तुम क्या जानो, मतलब पिक्चर भी बनाने लग गए वो लोग, उनको भी पता है अच्छी चीज है, काफी लोग एक तरफे प्यार वाले होते हैं तो उनके साथ मार्केटिंग कर दो भाई, वो लोग सोचते हैं हाँ हमने बहुत ग्रेट चीज कर दी एक तरफ का प्यार करके। भैया तुम्हारा प्यार एक तरफा इसलिए था कि उसको तुम अट्रैक्टिव नहीं लगे, ये रियलिटी है, ये नहीं कि तुम कोई मजनू खास थे या तुम्हारा दर्द दुनिया समझ नहीं पाई, नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं थी, तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम बैठ के प्यार करते रहो, लोग नहीं कर पा रहे तुमसे, या आकर्षित तो नहीं हो रहे तुम पे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तुम पे, ये रियलिटी है। अब चाहे इसके पीछे तुम बोलोगे इसका सलूशन ये है कि मैं अरिजीत सिंह के सारे गाने सुनूंगा और अपने दुख में जी लूंगा और फिर वीडियो गेम लगाऊंगा और रात को वो बायोलॉजी वाले वीडियो देखूंगा, थोड़ी चीजें हिलाऊंगा इधर उधर, हो गया मेरा, मैं सो जाऊंगा और ये मेरा जीवन होगा, ऐसे जी सकते हो तो फिर इस चैनल में मत आया करो। अगर इस चैनल पे आ रहे हो तो ये ऐसे लोग हैं, आई डोंट नो, फिर तुम जाओ उन लड़कियों को वैलिडेशन दो, उन लड़कियों के वीडियोस पे लाइक दबाओ, उन पे लंबे लंबे हार्ट्स डालो, मैसेज डालो, बोलो तुम एंजल हो, तुम परी हो, परियां परी हो क्योंकि तुमने बिकिनी पहन लिया मालदीव्स में, तो तुम परी हो गई, है ना, तो तुम या तो वो बन जाओ। फिर मेरे चैनल पे क्यों आ रहे हो, क्यों मेरी बातें सुन रहे हो, सुन रहे हो तो इसका मतलब आपको चुभ रही है, राइट right? लेकिन एक एक सेट वो भी है जो मेरे चैनल पे आता है जो अपने आपको इम्प्रूव करना चाहता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो यार ये डेटिंग गेम जो है, गेम है पहली बात तो, गेम है वो, नेचर्स डांस है, मतलब मोर भी नाचता है तो ही मोरनी मतलब थोड़ी इम्प्रेस होती है, तो ये थोड़ी बहुत तो गेम नेचर ने बनाई है, इट्स अ वे टू चेक कि द बेस्ट जीन्स मर्ज विद द बेस्ट जीन्स, सीधी मतलब नेचर को नहीं परवाह ऐसे तुम्हारी अरिजीत सिंह वाली फीलिंग्स की, नेचर को नहीं फर्क पड़ता कि ये तो रो रहा है इसको दिला दो लड़की ना, नेचर को लगता है भैया इससे बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि इस जैसे दो और आ गए इस दुनिया में तो हम क्या होगा, नेचर ये कहती है, पर वो रो रहा है उसकी फीलिंग का क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो ये आ गया, अब जन्म गया तो जैसे जैसे जिएगा, नेचर कहती है ये औकात वाला है, तो अगर ये औकात वाला लड़का एक लड़की के पास जाएगा, लड़की को लगेगा हाँ ये औकात वाले लड़के के साथ मुझे पेयर करना है, सेम लड़के भी ये देखते हैं, लड़कियों में औकात देखते हैं कि वो अलग अलग क्राइटेरिया अलग होते हैं लेकिन वही देखते हैं, तो एक्चुअली नेचर ने ये एक ब्रूटल सा रूल बनाया हुआ है जिससे कि ह्यूमन रेस स्ट्रांग रहती है, नहीं तो सोचो उल्टा होता अगर, कि जो जितना ज्यादा चमचागिरी करेगा लड़कियों की या जितना ज्यादा बैक करेगा या जितना अपना अनहेल्दी रहेगा कोई औकात नहीं बनाएगा उसको मिल रही है लड़कियां, तो चमनलाल के छोटे छोटे चमनलालों से दुनिया भर जाएगी, है ना, सारे चमनलाल ही चमनलाल होंगे, सारे स्टड खत्म, स्टड बैठ के रो रहे हैं कि हमें तो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं लेकिन चमनलाल का नंबर है, हो सकता है एक समाज में ऐसे जैसे कलयुग है, कलयुग से भी ज्यादा बड़ा कलयुग आ जाए जिसमें सिर्फ चमनलालों को ही गर्लफ्रेंड्स मिल रही है, ठीक है, पर इस ये वो युग नहीं है, यहाँ नहीं मिल रही सर, यहाँ आपको अगर चाहते हो डेटिंग में, एंड आई मस्ट से लड़कियां भी आती हैं, तो इफ दिस वीडियो हैज लॉट ऑफ व्यूज देन लाइक अ गुड 20% आई मीन लाइक thousands of girls may be watching this video still so I welcome them to please comment, जरा लड़कों को समझाओ और सच बताओ, तुम लोग ना लड़कियां कई बार ऐसे होता है कि वो ये फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती लड़कों की, तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं बस एक अच्छी स्माइल दे दो, बस एक काइंड इंसान हो, शरीफ हो, डिसेंट हो, हमें तो ऐसा ही लड़का चाहिए, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम्हें शरीफ डिसेंट चमनलाल तो नहीं चाहिए, तुम्हें 300 किलो की अच्छी स्माइल वाला लड़का चाहिए नहीं जी है। तो क्यों नहीं ऐसे, तो ये एक स्माइल और काइंडनेस चाहिए उन्हें, लेकिन एक बेसिक औकात के बाद, मतलब वो कह रहे हैं कि जो अगर पहली बात तो तुम औकात वाले लड़के हो कि नहीं, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे बेसिस ऑफ मे बी स्माइल काइंडनेस डिसेंसी या दे आर नॉट रॉन्ग, बट वो बाद के क्राइटेरिया बता रहे हैं कि भाई कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये चाहिए कि हम काइंडनेस देख रहे हैं ये देख रहे हैं, पर आपको 12th तो पास करनी पड़ेगी फिर ही कॉलेज मिलेगा, वो तो अज्यूम्ड है, उसके बाद वो कह रहे हैं हम आपका इंटरव्यू लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, ये लेंगे, पर ये लेना कि 12th ही फेल होके आते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो आपकी बेसिक एक औकात है वो होगी तो ही लड़कियां उसमें से फिर बोलेंगी हाँ काइंड लड़का चाहिए, स्माइल वाला चाहिए। नाउ पॉइंट ऑफ लाइफ इज नॉट टू गेट गर्ल्स, ये नहीं मैं कह रहा, नहीं दैट इज नॉट द पॉइंट, बट इफ यू वॉन्ट टू बी इन द डेटिंग गेम तुम्हारी औकात होनी जरूरी है, और औकात जो है लाइफ में उसका हर जगह फायदा होता है, सिर्फ लड़कियों में नहीं होता,
और कात का फायदा तुम्हारे को अच्छी जॉब लगने में होता है, तुम्हारी जेब में पैसे कितने होंगे उससे होता है, तुम्हारी हेल्थ पे होता है। तो बात ये आती है कि भैया औकात बनाई कैसे जाए, है ना, औकात कैसे बनाई जाए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबको बहुत सुपर स्टार बनना है, लेकिन तीन चार एरियाज में ना लाइफ में कुछ ना कुछ तुम्हारा या तो सही जा रहा हो या सही रास्ते पे तुम जा रहे हो, या तो सही जा रहा है या सही रास्ते पे तुम जा रहे हो। अगर यंग हो तो सही रास्ते पे जाओ, वो भी ठीक है, राइट। अगर यंग हो तो हो सकता है आपकी अभी जॉब नहीं है, लेकिन आप ढंग के कॉलेज में हो, आपको पता है 4-5 साल बाद जॉब लग जाएगी। आज आपकी सैलरी चाहे जीरो भी है, लेकिन पता है 4 साल बाद 50,000 तो लग ही जानी है, दैट्स ओके बिकॉज यू आर यंग। बट अगर आप ओल्ड हो, जैसे अगर आप 30s में हो और आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो वो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। सो इन दैट वे इट्स नॉट द सेम, कि मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी सैलरी कमाओ, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर एट। लेकिन आप सही जगह में जा रहे हो कि नहीं, आप लाइफ में आपकी दिशा कैसी है। जितने यंग हो तो सिर्फ दिशा और मंजिल, मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो एंड व्हाट इज द करंट गोल। एज यू गेट ओल्डर यू हैव टू बी क्लोज टू दैट गोल ऑल्सो। ये नहीं कि आज मैं जा रहा हूँ, ये नहीं कि 40 साल के हो रहे हो, हाँ यार मैं एक दिन लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, हेलो आधी लाइफ ओवर हो गई है, वो एक दिन कब आएगा, राइट। 20 में आप कह सकते हो मैं एक दिन लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, दैट्स ओके, यू विल गेट सम क्रेडिट फॉर इट। सो यू यू गेट दैट आइडिया। यू मस्ट हैव अ गुड करियर, यू मस्ट बी गोइंग ऑन द पाथ ऑफ यू नो अर्निंग सम मनी, सम रिकॉग्निशन, ऑल दैट इट रियली हेल्प्स, राइट। सेकेंड चीज इज आई थिंक योर फिजिकैलिटी, विच इज ऑलवेज यूज टू बी देयर, बट अभी वी लिव इन सोशल मीडिया टाइम्स वेयर एवरीथिंग इज सो विजिबल, राइट। आप इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे हो, लोग आपकी फोटोज देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वैसे पहले जमाने में तो होता ही नहीं था ये सब, जब मैं बहुत छोटा था तब तो मतलब फोटो ऐसे कोई कभी कभी फोटोग्राफर आके खींच ले तो ही होता था। एल्बम घर पे रखी होती थी, कोई बड़े क्लोज आ जाए तो घर पे एल्बम दिखाते थे, फोटो एल्बम। फोटो एल्बम मतलब एक एक्चुअली किताब होती थी, उसमें फोटो चिपकाई होती थी। आजकल तो फोन पे ऐसे बोल देते हैं फोटो एल्बम, वो एल्बम तो है नहीं एक तरह से, एक बस कलेक्शन ऑफ फोटोज है, पर वो एल्बम वर्ड वहां से आता है। तो अब तो सबको सब कुछ दिख रहा है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लुक्स। एंड फॉर गाइज लाइक द लुक्स हैव टू बी नॉट जस्ट कि ऐसे बस ऐसे सुंदर सुंदर आई लैशेज बना रहे हो या सुंदर सुंदर आईब्रोज बना रहे हो, वो नहीं है लुक्स। लुक्स फॉर गाइज इज फिटनेस। दीज डेज फिटनेस इज अ वेरी बिग थिंग, वो भी दुनिया, इट्स गुड, आई एम हैप्पी दैट फिटनेस हैज बिकम बिग थिंग, बट पहले ऐसे नहीं था। लाइक 200-300 साल पहले लोगों को लगता था मोटा है तो हेल्दी है। हमारे पंजाबियों में तो अभी भी कहते हैं हेल्दी है, थोड़ा हेल्दी नहीं है मोटा है, हेल्दी बोल देते हैं। अगर आप हीरोज भी देखो हिंदी पिक्चरों के, तो पहले मोटे होते थे काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अगर आप 50-60s के हीरो देखो, उनकी बॉडी देखो और आज के हीरोज की बॉडी देखो, बिल्कुल अलग है। सो द टाइम्स हैव चेंज्ड, राइट। अब आप नहीं हो उस एरा में, राइट। सो यू हैव टू हैव अ गुड बॉडी। नॉट डू यू हैव टू हैव अ सिक्स पैक, नो यू डोंट हैव टू हैव सिक्स पैक। आई मीन इट्स गुड इफ यू हैव इट, बट मेरे को एक, मैंने कई सिक्स पैक वाले लड़कों से पूछा, वो कहते हैं यार सर सिक्स पैक ना लड़के ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। Dudes like it, like, oh, उसके मसल्स देख, ये पता है 100 किलो डेडलिफ्ट कर लेता है, लड़कियों को नहीं फर्क पड़ता है। आई मीन दे लाइक मे बी अ थिन गाय, राइट, यू शुड बी नॉट फैट एंड समवॉट टोन्ड, विच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अगेन की एम ऑफ लाइफ इज टू गेट गर्ल्स। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि इतना कोई भी कर सकता है, स्पेशली मोस्ट ऑफ यू आर यंगर, इट्स नॉट गोना टेक दैट मच एफर्ट। थोड़ा एक्सरसाइज अपनी लाइफ में डालो, थोड़ा खाना पीना ठीक करो, गंद खाना बंद करो। ये पैकेट में निकली हुई चीजें जो होती है ना, ये कुरकुरे, आई मीन यू नो इट, राइट। डू यू नीड समवन टू टेल यू कि कुरकुरे नहीं खाने चाहिए या भुजिया नहीं खानी चाहिए? यू नो, 4 महीने से कोई चीज तल के रख के पड़ी हुई है, तुम अपने पेट के अंदर डाल रहे हो एंड तुम होप कर रहे हो कि हाँ भाई, लड़कियां तुम्हें फोन करके बोलेंगी वाह कुरकुरे आ जा, चल थोड़े कुरकुरे करते हैं, ऐसे तो नहीं होने वाला, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट दैट डिपार्टमेंट। फर्स्ट आई टोल्ड यू करियर, योर दिस, एंड देन यू नो समटाइम्स इट्स कॉल्ड मेक मसल्स मेक मनी। इट्स नॉट माई टर्म, आईव हर्ड इट ऑन द इंटरनेट सम प्लेस, मेक मसल्स मेक मनी। दैट्स अ नॉर्मली अ गुड सिंपल वे, आई लाइक टू कीप इट सिंपल, कि भाई ये अगर तुम कर रहे हो और इसमें आप कहीं पहुंच जाओ, मतलब थोड़े भी आपकी बॉडी इंप्रूव हो जाए, थोड़े भी आपका मनी सिचुएशन, करियर सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, आपकी औकात बढ़ जाएगी, आपकी औकात बढ़ जाएगी, आपके लिए डेटिंग इजी हो जाएगा। नाउ द थर्ड थिंग, देयर इज अ थर्ड थिंग, यस, ये नहीं कि कोई पहलवान जिसके
बैंक में बहुत पैसे हो, ऐसा नहीं कि लड़कियां उसके पास आएंगी, ऐसे नहीं होता। बेवकूफ नहीं है लड़कियां, और इतनी भी इतना भी वो नहीं है कि हाँ उन पैसे पैसे करके लड़कियां आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ये भी एक गलत थिंकिंग चल रही है कि भाई लड़कों जेब में पैसा होना चाहिए, लड़की अपने आप पीछे आएगी, ऐसे नहीं होता। तुम्हें लड़की से बात करना भी आना चाहिए, मतलब तुम्हारी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम भोंदू हो, राइट, अगर तुम एक कोडर हो, सपोजिंग एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ी अच्छी कोडिंग करते हो, लेकिन तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलते हैं, तुम इतने अच्छे कोडर हो, तुम्हारी सैलरी है 1 करोड़ रुपया साल की, और तुमने बना दिया ऐप ऐसे कि इतना हंगामा मच गया दुनिया में, और तुम मतलब ठीक है मोटे भी नहीं हो, थोड़ा थोड़ा जिम भी जाते हो, लेकिन लड़की सामने आती है तो तुम अगर हेलो 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 ऐसे हो जाते, तो फिर क्या होगा? तुम्हें लगता है लड़की उड़की पर ही तो पैसे कमाता है यार, ऐसे नहीं होता है ना। तो आई एम गिविंग वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल एंड आई एम सॉरी फॉर बींग सो हार्श, बट दिस इज बिटर ट्रूथ, बिकॉज मैं तुम्हें ऐसे वे में बताना चाहता हूँ कि आपको चीजें याद रहे, कि यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, बात करना सीखो लोगों से, लड़कों से, लड़कियों से, ग्रुप में, हो सकता है कोई कैफे में, हो सकता है कहीं बस में जा रहे हो, इन अ वे कि लोगों को ये भी ना लगे यार कितना चेप है, इंटरेस्टिंग लगो आप, और ये भी ना लगे तो कितना शर्मीला है। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्टेड, यू डोंट नीड टू बी, आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, दो आई डोंट थिंक आई एम इंट्रोवर्टेड, बट देर आर मेनी पीपल हु आर इंट्रोवर्टेड, दैट्स ओके, बट यू मस्ट हैव सम इंटरेस्ट, यू मस्ट हैव वन और टू टॉपिक्स। आर यू एन इंटरेस्टिंग मैन? क्या करते हो तुम मजे के लिए? इफ समवन आस्क यू व्हाट यू डू फॉर फन, क्या है तुम्हारा आंसर? टीवी देखता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ, देख रहे हो बस, करते क्या हो? कुछ खेलते हो, बाइक चलाते हो, ट्रैकिंग करते हो, कुछ कुछ करो। अब तुम कुछ इंटरेस्टिंग करते नहीं हो तो तुम डेट पे जाओगे भी तो बातें क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास चलो एक लड़की मान ली, मतलब डेट पे आ गई, वाह वाह देखो, तो क्या करोगे? अपने बैंक बैलेंस दिखाओ के देखो मैंने अपने बैंक, देखो देखो डार्लिंग ये लो मेरी पिछले महीने की सैलरी 1 लाख रुपए, अब अगले महीने की दिखाऊं, उससे भी पिछले महीने की दिखाऊं, है देखो तुम्हें लगता है इंटरेस्टेड है उसमें, या तुम बोलो बेबी ये देखो पता है मैं ना 30 का डंबल मारता हूँ और अगले हफ्ते 35 का मारूंगा, तुम्हें लगता है कि उसको इंटरेस्ट होगा, अनलेस वो कोई पहलवान की बेटी है या कुछ तो बट इफ यू से हे तेरे को पता है मैंने बुलेट लिया, कभी बैठी है बुलेट के पीछे? तो एटलीस्ट इट साउंड ओ ओके नाइस, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बाय बुलेट, यू कैन इवन से आई डू साइकिलिंग 50 किलोमीटर्स ऑन द वीकेंड। 50 किलोमीटर्स कहाँ से कहाँ जाते हो? ये ट्रैफिक नहीं होता, सुबह 5 बजे उठता हूँ फिर साइकिलिंग करता हूँ 50 किलोमीटर। समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट, दैट्स पर्सनैलिटी, बिकम ए इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफकोर्स। सो टू समराइज These things मेरे को करती हो, पर्सनैलिटी, योर मनी, योर बॉडी, योर मसल्स, ऑल दोस थिंग्स, वो है नहीं तो ऑब्वियसली डेटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव ऑल दिस यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 5%, टॉप 10% ऑफ ऑल गाइज, एंड इफ यू आर इन द टॉप 5-10% ऑफ गाइज, वेल गर्ल्स ऑल्सो वॉन्ट अ गुड गाय, 5-10%, राइट गर्ल्स, आई मीन यू कैन कॉमेंट, हेल्प दीज गाइज आउट मैन, ये लोग यहाँ सीखने आ रहे हैं तो तुम सिखाओ। एंड गाइज लिसन टू दीज गर्ल्स, बी रिस्पेक्टफुल, डोंट अपनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई थी एक बार पहले, ये नहीं कि अपना गुस्सा इसमें निकाल दो, तुम सारी सेम हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है, कोई उसका कोई पॉइंट नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, सेम फॉर गर्ल्स, आई गेस आई एम अ गाय सो आई कैन टेल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गाय, बट लाइक फॉर गर्ल्स ऑल्सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट, एवरीबॉडी हैज टू हैव सम औकात इफ यू वांट टू मेक इट इजियर, बट या इट इज ट्रू दैट फॉर गर्ल्स अ लॉट ऑफ गाइज अप्रोच यंग गर्ल्स एनीवे, so you know it may be from the dating side, it may not be, now aukat is not like I said in life, aukat ye video hai aukat versus dating, but that doesn't mean aukat is only for dating, aukat is for everything man, apni job change karni hai, apne aapko salary raise chahiye, aapko city move karna hai, aapko ghar khareedna hai, aapko gaadi khareedni hai, aukat hoti to bhi aadmi kar pata, right, हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो इट्स नॉट जस्ट टू गेट गर्ल्स, आई मीन यू आर स्ट्रॉन्ग, यू नो यू कैन, यू विल नॉट गो टू द डॉक्टर, यू विल नॉट बी सिक, यू विल हैव एनर्जी, यू विल हैव फोकस, यू बी स्ट्रॉन्ग, यू कैन सिट फॉर आवर्स एंड वर्क एंड दैट विल मेक यू मोर मनी, मोर सक्सेस, ऑल दैट, सो दीज आर थिंग्स विच यू नीड एनी वे इन लाइफ, बट इट ऑल्सो मेक्स डेटिंग इजियर, बट विदाउट अ गॉड डेटिंग इज नॉट इजियर, सो इफ यू वॉच दिस वीडियो प्लीज कॉमेंट बिलो इफ यू एग्री और नॉट,
क्या चेंज करना चाहते हो तुम अपनी लाइफ के बारे में और बताओ क्या करोगे, डालो लिख के ताकि वो एक रिकॉर्ड रहे। एंड ऑफकोर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो तो यूट्यूब को लगेगा हाँ यार ऐसे वीडियो में वैल्यू है, तभी तो वो औरों को दिखाएगा। तो यू डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है अपनी औकात पे काम करना चाहिए। शेयर इट ऑल द चमन लाल यू नो मैन। और अगर कोई चमन लाल यहाँ पे आया है, भैया तू यहाँ तक एंड तक कैसे पहुंच गया, और अगर तू एंड तक पहुंच गया तो तू आज से चमन लाल नहीं रहेगा, समझ आई है? स्टॉप डूइंग व्हाट यू वर डूइंग विद गर्ल्स अर्लियर, अपनी औकात बनाओ। ऑल ऑफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन औकात एंड देन एवरीथिंग इन लाइफ विल बिकम इजियर, इंक्लूडिंग डेटिंग। टेक केयर।